और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, देश में कोरोना वैक्सीन की तारीखों पर केंद्र स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा बयान दिया है। स्वास्थ्य सचिव के मुताबिक 13 या 14 जनवरी से वैक्सीनेशन की पूरी तैयारी है। हालांकि इस मामले पर अभी औपचारिक ऐलान होना बाकी है। असल में टीकाकरण अभियान कब शुरू होगा फिलहाल इस बारे में पुख्ता तौर पर ऑफिशियली अभी नहीं बताया गया है, लेकिन जैसा कि आपको मालूम हो कि ड्राई रन पहले ही हो चुका है पूरे देश में, अलग अलग राज्यों में ड्राई रन हो चुका है और अब बताया जा रहा है 10 दिन के अंदर टीकाकरण की तैयारी हो जाएगी। यानी कि माना यह जा रहा है कि 13 या 14 जनवरी से टीकाकरण की शुरुआत हो सकती है। तो कोरोना टीकाकरण वैक्सीनेशन की तारीख भी आ गई। कोरोना को मात देने के लिए तैयार है भारत। 14 जनवरी से शुरू होगा कोरोना टीकाकरण। नए साल की पहली खुशखबरी तो यही थी कि कोरोना से जूझते देश को दो दो वैक्सीन का तोहफा मिल गया, और दूसरी सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि वैक्सीन कब लगनी शुरू होगी इसकी तारीख भी आ गई है। अगर सब कुछ सरकार के प्लान के मुताबिक ही चला तो 13 या 14 जनवरी से देश में कोरोना टीकाकरण अभियान शुरू हो जाएगा। भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने मंगलवार को ऐलान कर दिया है कि वो वैक्सीन पर मुहर लगने के 10 दिनों के भीतर टीकाकरण शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। EUA के 10 दिन के भीतर हम उसको EUA का अर्थ है इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन, ये बोलचाल की भाषा में शब्द प्रयुक्त होता है, हमारे मीडिया के मित्र इसी शब्द का उपयोग करते हैं, हमारे कानून में एक्सेलरेटेड अप्रूवल फ्रेज का इस्तेमाल किया गया है। तो जिस भी दिन हुआ, जैसे अब आप जानते हैं कि किस दिन हुआ, उस दिन से 10 दिन के भीतर में ये रोल आउट होने की पूरी तैयारी है। 1 जनवरी को कोविशील्ड वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की सिफारिश की गई थी। 2 जनवरी को कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की सिफारिश की गई थी। 3 जनवरी को कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों को DCGI ने मंजूरी दे दी। इस लिहाज से स्वास्थ्य सचिव के मुताबिक 10 दिन बाद यानी 13 या 14 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू किया जा सकता है। हालांकि स्वास्थ्य सचिव ने अभी देश के सामने अपनी तैयारियों का खाका ही रखा है, न कि कोई पुख्ता ऐलान किया है, लेकिन ये तो माना ही जा सकता है कि जब तैयारियां पूरी हैं तो देरी की कोई वजह नहीं होनी चाहिए। दिसंबर के आखिरी हफ्ते से लेकर अब तक देश भर में वैक्सीनेशन के कईयों ड्राई रन भी किए जा चुके हैं, यानी वैक्सीनेशन से जुड़ी सारी कसरत हो चुकी है, अब फीता काटना ही बाकी है। वैक्सीनेशन की टीम, हर टीम में 5 आदमी होंगे वैक्सीनेटर को सम्मिलित करते हुए, इंक्लूडिंग द वैक्सीनेटर देयर वुड बी 5 पीपल इन द वैक्सीनेशन टीम फॉर ईच साइट। उनको आइडेंटिफाई किया गया, उनको ट्रेन किया गया, सारे जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स और प्रोटोकॉल्स हैं उनका ऑपरेशनलाइजेशन देखा गया, और ये भी देखा गया कि जहां भी हम इस प्रकार का टीकाकरण करें वहां इन्फेक्शन ना फैले। देश के पास दो दो वैक्सीन हैं, दोनों के इस्तेमाल से लाखों करोड़ों जिंदगियों को सुरक्षित किया जा सकेगा। लेकिन इस खुशखबरी में भी खटास तब पड़ गई जब वैक्सीन बनाने वाली दोनों कंपनियों की प्रतिस्पर्धा एक बड़े लक्ष्य के आड़े आने लगी। Well, it was a surprise because we thought that all companies have to conclude their efficacy studies. But if the government has decided in an emergency to license something which is safe, that's entirely their their decision. I don't know what word to use, but that's something you have to ask them. I really can't comment on that. We put all transparently every data when we submitted to each committee and when we got approval, when we done the trial, everything is put in the plan. People question, oh, we are not transparent. I don't know what is transparency to me when I put everything in the black and white like this. People still question transparent because Indian scientists are cheap people. लेकिन अच्छी बात ये है कि कारोबारी विवाद के ज्यादा तूल पकड़ने से पहले ही दोनों कंपनियों ने मतभेद दूर करके कोरोना के खिलाफ जंग में साझा प्रयासों के महत्व को समझ लिया। पूरी दुनिया के लिए COVID-19 के वैक्सीन बनाने और उसकी सप्लाई को लेकर अदार पूनावाला और डॉक्टर कृष्णा एला ने अपनी अपनी कंपनियों की ओर से साझा इरादा जाहिर किया है।
उनका कहना है कि उनके लिए भारत और दुनिया में लोगों का जीवन और उनकी आजीविका को बचाना ज्यादा जरूरी काम है, जहां अब दोनों वैक्सीन को भारत में आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है, जहां हमारा ध्यान उन लोगों तक इसे पहुंचाने पर है जिन्हें अच्छी क्वालिटी की सुरक्षित और प्रभावी वैक्सीन की जरूरत है। कोवैक्सीन और कोविशील्ड तो शुरुआत है, भारत में कोरोना की कई और वैक्सीन पर तेजी से काम चल रहा है, यानी भरोसा कर सकते हैं कि 2021 हैप्पी वैक्सीन ईयर साबित होगा। हम उस स्थिति में आए हैं कि हमारे तीन जो है वो तो एक प्रकार से एडवांस्ड क्लिनिकल ट्रायल्स के ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स के फेज में है, चार एडवांस्ड प्री क्लिनिकल ट्रायल्स के फेज में है, और अभी तो सारे देश ने नए साल में दो के बारे में तो खबर सुनी कि उनका इस्तेमाल जो है हमारे भारत के लोगों को उसका लाभ मिलने वाला है। फिलहाल सबसे पहले इंतजार सरकार के कोविड प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप को लेकर है, क्योंकि वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन से लेकर पूरी प्रक्रिया इसी के जरिए होनी है। कहा जा रहा है कि ये ऐप 12 भाषाओं में उपलब्ध होगा। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।